हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज का ये जो हमारा वीडियो है वो यूजुअल जो हम टॉपिक डिस्कस करते हैं उससे थोड़ा सा हटके है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिजर्वेशन इन प्रमोशन। इस टॉपिक में ढेर सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला तो इसका बैकग्राउंड क्या है। काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोग मुझसे कंटिन्यूसली पूछ रहे थे कि क्या प्रमोशन में रिजर्वेशन है, अगर है तो उसका परसेंटेज क्या है, क्या अपॉइंटमेंट में जो रिजर्वेशन फॉलो होता है एज इट इज यही रिजर्वेशन प्रमोशन में भी फॉलो होता है, क्या जो रोस्टर अपॉइंटमेंट का होता है वही रोस्टर आपके जो प्रमोशन का है वो भी होता है, क्या अगर कोई सीट रिजर्व है प्रमोशन के लिए अगर उस पर कोई कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है तो क्या वो सीट जनरल कैटेगरी को ट्रांसफ़र होगी या नहीं होगी, क्या प्रोसेस है। इस टाइप के ढेर सारे क्वेश्चन आप लोग कंटिन्यूसली मुझसे पूछ रहे थे। इसका एक रीज़न भी है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था रोस्टर का कि आपका जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि किस कैटेगरी को कितनी सीट मिलेगी उसका बेसिस क्या है, वो कैसे डिसाइड किया जाता है, तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो आपको बस सर्च करना है रोस्टर मनु एकेडमी, इतना आप लिखोगे तो ये वीडियो आपको मिल जाएगी, थंबनेल देख लो आप। एक और मैंने वीडियो बनाया था हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिजर्वेशन को लेकर, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि किस तरीके से सीट फिलिंग की जाएगी। हालांकि मैक्सिमम जगह जो यहाँ पे रूल डिस्कस किया गया है वही फॉलो होता था, बट कुछ स्टेट्स हैं जैसे राजस्थान है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, काफ़ी टाइम पहले गुजरात भी इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे, तो जिसको लेके चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया। तो बेसिकली यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि रिजर्वेशन की फिलिंग, सीट जो फिलिंग होती है वो कैसे होती है, डिटेल मैंने डिस्कस किया है। इस वीडियो को भी आप देख सकते हो, आपको सर्च करना है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मनु एकेडमी या फिर वर्टिकल रिजर्वेशन मनु एकेडमी। तो इन दोनों वीडियोस पे रिसेंटली काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे मुझे कि बताइए प्रमोशन का क्या सीन है, प्रमोशन में रिजर्वेशन का क्या सीन है। हर कैटेगरी के लोग आ रहे थे, हालांकि काफ़ी ये बर्निंग टॉपिक है रिजर्वेशन, इस पर डिस्कस करना इतना आसान नहीं होता है, लोग आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं। तो खैर, उम्मीद करता हूँ आप लोग लड़ाई नहीं करोगे, चीज़ों को समझोगे। पूरी चीज़ को समझने के लिए आपको वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना पड़ेगा, हर चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। और ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है बीच में थोड़ा सा चीज़ें मिक्सअप हो, बट आप वीडियो शुरू से लास्ट तक देख लोगे तो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए कुछ न्यूज़ भी थे इस पर। कुछ टाइम पहले फरवरी जो 2020 था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था स्टेट्स नॉट बाउंड टू मेक रिजर्वेशन इन प्रमोशन से सुप्रीम कोर्ट में अपील थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जजमेंट दिया था। इस जजमेंट को भी डिस्कस करेंगे कि बेसिकली था क्या, डिटेल में नहीं करना, बट सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा ये भी समझने की कोशिश करेंगे। एक अभी रिसेंट न्यूज़ है, ये फेब की न्यूज़ है, सॉरी फेब की नहीं है, मई 2021 की है, मतलब एक महीने पहले की न्यूज़ है। बॉम्बे हाईकोर्ट रिफ्यूज टू स्टे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑर्डर स्टेपिंग रिजर्वेशन इन प्रमोशन। मतलब महाराष्ट्र में पहले से रिजर्वेशन चल रहा था प्रमोशन में, 2004 के आसपास से चल रहा था, काफ़ी सारे कैटेगरी को यहाँ पे रिजर्वेशन मिल रहा था, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक सर्कुलर निकाल के कहा कि हम इसको स्टेप करने जा रहे हैं, तो इसको भी हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया और हाईकोर्ट ने मना कर दिया कि हम उस पर स्टे नहीं लगा सकते। तो क्या है ये पूरा मैटर रिजर्वेशन का प्रमोशन में, हम वन बाई वन करके समझेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ढेर सारी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट होता है, आपका कमेंट होता है, आपकी ज़रूरत होती है। बाकी ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसकी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और भी जो पीडीएफ हैं जो आपसे रिक्वायर्ड आपसे रिलेटेड होती है मैं यहाँ पे शेयर करते रहता हूँ। बाकी ये ग्रुप है, इस पर इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सारे प्लेटफॉर्म पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके बैकग्राउंड का कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन का पंगा कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो एक केस था इंदिरा साहनी, बहुत फेमस केस है, आप लोगों ने किसी न किसी तरीके से सुना ही होगा, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बेसिकली यहाँ पे केस ये था कि ये जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन कंटिन्यूअसली हर कम्युनिटी को दिया जा रहा है, जब पॉलिटिकल पार्टी आती है तो अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए किसी न किसी कम्युनिटी को प्रोमिस कर देती हैं कि हम आएंगे तो बेसिकली आपको रिजर्वेशन देंगे। तो यहाँ पे देखा गया कि यार इस तरीके से तो पॉलिटिकल माइलेज के लिए पूरी सीट रिजर्व हो जाएगी, जनरल कैटेगरी के लिए कुछ बचेगा नहीं, लोग कहाँ जाएंगे, फिर तो आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो कहा गया कि क्या कोई अपर कैफ है रिजर्वेशन के लिए। तो बेसिकली इंदिरा साहनी केस में गवर्नमेंट ने कहा कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। हालांकि इस टाइम जो रिजर्वेशन है वो है
59.5%, जो ओपन सीट है वो 40.5% है। इसमें ये रिजर्वेशन हो गया, अभी जो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो है, फाइनेंशियल वीकर सेक्शन के जो लोग हैं उनको ऐड किया गया, तो ये बढ़ के हो गया 59.5। अब आप कहोगे कि जजमेंट के अगेंस्ट में हो गया क्या? नहीं, जजमेंट के अगेंस्ट में नहीं हो गया। गवर्नमेंट उस टाइम भी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई रीजनेबल चीज़ है जहाँ पे बहुत ज़रूरी है तो गवर्नमेंट इसके लिए रूल बना सकती है, और गवर्नमेंट ने रूल बनाया, 10% ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया। तो ये सारी चीज़ें आप जानते हो, ये बेसिकली रिजर्वेशन से रिलेटेड था। यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन और था बेसिकली कोर्ट का। कोर्ट ऑब्जर्व दैट रिजर्वेशन फॉर अपॉइंटमेंट और पोस्ट अंडर द आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कन्फाइंड टू इनिशियल अपॉइंटमेंट एंड कैन नॉट एक्सटेंड टू द रिजर्वेशन इन मैटर ऑफ प्रमोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जब स्टेटमेंट होता है तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें हो रही होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो इससे पहले एससी एसटी को, एससी एंड एसटी कैटेगरी को प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जा रहा था। अब चूंकि इंदिरा सहानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई ये जो प्रमोशन में रिजर्वेशन है, या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिजर्वेशन का प्रोविजन है, सब क्लॉज 4 में जो रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया है, यहां पे ये नहीं कहा गया है कि इसको प्रमोशन में भी एक्सटेंड किया जाएगा। यहां पे जो रिजर्वेशन है वो केवल इनिशियल अपॉइंटमेंट के लिए है, और एक बार किसी को सरकारी नौकरी मिल गई, एम्प्लॉयमेंट मिल गया उसको, तो फिर उसके साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है? उसके साथ तो फिर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो फिर क्यों आप रिजर्वेशन, प्रमोशन में रिजर्वेशन दे रहे हो? बट गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। अपॉइंटमेंट होने के बाद प्रमोशन में भी हमने देखा है कि एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है कैटेगरीज का। हमने देखा है कि एक बार सिलेक्शन तो हो जाता है, बट जब प्रमोशन की बारी आती है तो वहां पे कास्ट बेसिस पे, रिलीजन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिसके वजह से लोअर कास्ट के जो लोग होते हैं वो हायर पोस्ट पे नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए क्योंकि उनका प्रॉपर एक आप कहो कि प्रेजेंटेशन हो पाए। जैसे इन शॉर्ट यहाँ पे ये भी लॉजिक दिया गया कि मान लीजिए यहाँ पे एससी एसटी कैटेगरी का 15 और 7.5 ये रिजर्वेशन है, तो अगर कहीं पे मान लीजिए एसडीएम से किसी को, एसडीएम से एडीएम या फिर डीएम बनाया जा रहा है, तो जो एडीएम में पोस्ट है वहां पे भी तो ये प्रेजेंटेशन होना चाहिए, 15 और 7 का रेशियो होना चाहिए। अगर यहां पे रखा गया है तो यहां पे लोग क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? क्या रीजन है कि जो कैटेगरी के लोग हैं वो एसडीएम से ही रिटायर्ड हो जा रहे हैं, मतलब आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं या बढ़ पा रहे हैं तो एक आध प्रमोशन हो रहा है, साथ में जो जनरल के लोग हैं वो ज्यादा आगे चले जा रहे हैं, क्या वहां पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हमको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करना है हायर पोस्ट पे, तो हमको एससी और एसटी कैटेगरी को यहां पे रिजर्वेशन देना होगा, और गवर्नमेंट पहले से दे रही थी, बट इंदिरा सहानी केस के बाद उस पे बैन लग गया, सारे स्टेट ने उसको हटा दिया क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था। इसके बाद कोर्ट एक अमेंडमेंट लेके आती है, उस अमेंडमेंट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप ये देख लो जो आर्टिकल है ना, पहले इसको आप समझ लो, थोड़ा सा चीजें आपको समझ में आएंगी। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 16 है, ये बेसिकली बात करता है राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब ये आपका राइट है, ये आपका राइट्स है कि सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। इसका जो सब क्लॉज 2 है वो कहता है कि किसी को भी कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, कलर के बेसिस पे, इन सब बेसिस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। बट हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात तो हो गई यहां पे, बट यहां पे हम बात कर रहे हैं सब क्लॉज 4 की। सब क्लॉज 4 कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द सर्विस अंडर द स्टेट इन फेवर ऑफ द बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन, मतलब कहा कि जो ये लॉज हैं ऊपर जो मेंशन किया गया है कि राइट टू इक्वलिटी हो सबके साथ, बट हमने देखा है कि बहुत सारी जो कास्ट हैं वो डिप्रेस्ड हैं, वो तो अपना राइट्स यहां पे ले ही नहीं पाती हैं, तो अगर स्टेट्स चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है, तो रिजर्वेशन का प्रोविजन करके उनको आगे ला सकती है। बेसिकली यहां पे जो राइट्स दिए गए हैं वो प्रॉपरली फुलफिल हों, सच में प्रैक्टिकल मायने में फुलफिल हों, उसके लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन गवर्नमेंट कर सकती है। तो ये पूरा आर्टिकल है, ये अब इसमें आगे ऐड किया जाएगा, इसलिए मैंने बताया कि आप पहले समझ लो कि जो आर्टिकल है राइट टू इक्वालिटी वो बात क्या करता है और कहां पे ये प्रोविजन है रिजर्वेशन का। अब जब इंदिरा सहानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई प्रमोशन में आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, आप केवल बेसिक अपॉइंटमेंट, मतलब जब वैकेंसी आती है उसी टाइम पर रिजर्वेशन दे सकते हो, प्रमोशन में नहीं देना है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 77th अमेंडमेंट लेके आए ये, और इन्होंने वहां पे जो आपका आर्टिकल 4 का सेक्शन था, 4 सब क्लॉज 4 था, वहां पे इन्होंने एक ऐड कर दिया सब क्लॉज 4A, और इन्होंने यहां पे बेसिकली ये मेंशन कर दिया कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन
फॉर रिजर्वेशन इन मैटर ऑफ प्रमोशन और एनी क्लास और क्लासेस, मतलब गवर्नमेंट ने सिंपली कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया कि गवर्नमेंट जो आर्टिकल आपका 16 है उसका क्लॉज जो है 1, 2, 3, 4, ये किसी भी तरीके से गवर्नमेंट को प्रमोशन में रिजर्वेशन देने से नहीं रोक सकते हैं। तो अब सिंपली चूंकि ये ऐड हो गया अमेंडमेंट के साथ, तो अब गवर्नमेंट बना सकती है। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली इन फेवर किया यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब और एससी कास्ट को, दोनों को इन्होंने फेवर किया कि हम प्रमोशन में रिजर्वेशन देंगे ताकि इनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो पाए हायर पोस्ट में। तो ये अमेंडमेंट ध्यान रखना 77 अमेंडमेंट में, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्क्रैप कर दिया, फिर से गवर्नमेंट ने क्या किया अमेंडमेंट करके इसको ऐड कर दिया और गवर्नमेंट ने प्रोविजन बना दिया कि हम ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद चूंकि प्रोविजन हो गया, इसके बाद जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल है उसने उन्होंने क्या किया, एक ओएम लेके आया। ओएम मतलब होता है ऑफिस मेमोरेंडम, तो उन्होंने एक ऑफिस मेमोरेंडम लेके आया, बेसिकली उसी प्रोविजन को यहां पे मेंशन कर दिया गया कि जो आपके शेड्यूल एससी और एसटी कैटेगरी के लोग हैं उनको प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। बेसिकली यही चीज यहां पे मेंशन कर दिया गया कि जो इंदिरा साहनी केस थी उसको नलिफाई कर दिया गया रूल बना के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके। बट यहां पे प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ, यहां पे प्रॉब्लम आएगा, अब इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। यहां पे दो प्रॉब्लम आई, पहली प्रॉब्लम आप समझिए कि कंसिक्वेंसली सीनियरिटी ऑफ प्रमोशन ऑन प्रमोशन, दूसरा था कैचअप रूल। अब ये दोनों हैं क्या, एक एग्जांपल से आप समझो तब समझ में आएगा बेसिकली कि आपको प्रॉब्लम क्या आई। सपोज कर लीजिए कि तीन कैंडिडेट हैं, दो कैंडिडेट की कैटेगरी है, एक कैंडिडेट की कैटेगरी है जनरल, ठीक है, एक कैंडिडेट जनरल मतलब यहां पर आप समझ लो कि जिनको प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, मतलब ओबीसी को भी नहीं मिल रहा था, ईडब्ल्यूएस अभी है उनको भी नहीं मिलता है, और जो जनरल के हैं वो तो जनरल के खैर हैं ही, अभी हम बात कर रहे हैं जब तक ये केस की बात कर रहे हैं वहां पे केवल एससी एसटी को ही रिजर्वेशन में प्रमोशन मिलता है, आगे ओबीसी को भी कुछ स्टेट ने इंक्लूड किया वो मैं बताऊंगा आपको। तो यहां पे आप समझ लो कि एक कैटेगरी है जनरल का बच्चा है, दूसरा एससी का बच्चा है, और तीसरा यहां पे एसटी का बच्चा है, तीनों का सेम पोस्ट पे सिलेक्शन होता है। कुछ भी पोस्ट ले लेते हैं जो इन जनरल है जिससे आपको समझ में आए, तो मान लेते हैं कि तीनों का क्लर्क पे, सी क्लर्क ले लो, या थोड़ी अच्छी पोस्ट लेना चाहते हो, आपको हेजिटेशन हो रहा है, नहीं हो रहा होगा वैसे तो समझना ही है, बस मान लेते हैं चलो कि आप मोटर व्हीकल से ज्यादा लोग हैं, तो मान लेते हैं कि मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर बना दिया गया, ये तीनों लोग अपॉइंट हो गए मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर से, जो भी रिजर्वेशन रूल है अभी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल है वैलिड है वो रिजर्वेशन के थ्रू ये आ गए, दो लोग दो एक एससी थे एक एसटी के थे और एक जनरल कैटेगरी के थे। अब मान लीजिए कि इनको 5 ईयर हो गया है अपने सर्विस के, एमबीआई की सर्विस करते हुए इनको 5 ईयर हो गया है, अब ये एलिजिबल हो गए हैं एआरटीओ पोस्ट के प्रमोशन के लिए। एआरटीओ मतलब असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो गए हैं। ये एग्जांपल आप कहीं पे भी सेट कर सकते हो, ये स्पेसिफिक नहीं है, कहीं पे भी अप्लाई हो सकते हो, मैं बस एग्जांपल आपको समझा रहा हूं। अब इन तीनों लोग, ये तीनों लोग एलिजिबल हैं, अब प्रमोशन होना कैसे चाहिए अगर हम इन जनरल बात करें कि किसने अच्छा काम किया है, किसका अप्रेजल, मतलब किसका जो अप्रेजल वाली फाइल है वो अच्छी है, किसने प्रॉपर ढंग से काम किया है, ऑन टाइम ड्यूटी किया है, करप्शन नहीं किया है, ये सारी क्राइटेरिया होनी चाहिए क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, एफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए, कि किसने डिपार्टमेंट के लिए ज्यादा अच्छा काम किया उसके बेसिस पे प्रमोट किया जाएगा, इन जनरल ये आइडिया होता है। बट यहां पे ऐसा नहीं किया गया, मान लीजिए ये देखा गया कि अभी मैं बात कर रहा हूं कॉन्सिक्वेंसली कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी की, यहां पे देखा गया कि यार अभी जो आरटीओ है, मान लीजिए 10 एआरटीओ की पोस्ट पे हैं लोग, ये देखा गया कि ये 10 में से 9 लोग जो हैं वो तो हैं जनरल कैटेगरी से, या 8 लोग हैं वो हैं जनरल कैटेगरी से, या फिर ये मान लो कि जो रेशियो जनरल कैटेगरी का वो कंसिडरेबली बहुत ज्यादा है एज कंपेरिजन टू एस सी एस टी। तो ये कहा गया कि भाई ऑलरेडी बहुत सारे लोग एआरटीओ हैं, एससी और एसटी कैटेगरी से तो कोई है ही नहीं, या है तो 1% है जो कि होना चाहिए अगर हम रिजर्वेशन की माने तो। अगर स्टार्टिंग में यहां पे 7.5 या 8 लोग आ रहे हैं तो इतने लोगों को यहां पे जाना चाहिए प्रमोट होके, बट नहीं गए हैं, तो इनका प्रेजेंटेशन हायर पोस्ट पे नहीं है रिप्रेजेंटेशन, इसलिए क्या करो यहां पे कंसिक्वेंसली सीनियरिटी दिखाओ, मतलब इस जनरल वाले कैंडिडेट को रोक दो और इन दोनों को प्रमोट कर दो, या इन दोनों में से जिसका कम है उसको प्रमोट कर दो, या दोनों को प्रमोट कर दो अगर दोनों की रिक्वायरमेंट है तो। तो इन शॉर्ट क्या कहा गया, इसको प्रमोट कर दिया गया। अब ये आदमी प्रमोट हो गया, सिलेक्शन हुआ था सेम पोस्ट पे, बट 5 साल बाद ये आदमी इसका सीनियर बन गया, ठीक है। अब क्या हो गया, इसको फील होगा डिस्क्रिमिनेशन कि यार मैं भी वही एग्जाम देके आया और सेम पोस्ट पे दोनों लोगे, 5 साल बाद ये आदमी मेरा सीनियर बन गया, मैं तो पीछे रह गया। तो इसको चैलेंज किया गया, ये तो हमारे राइट ऑफ इक्वालिटी के अगेंस्ट है। और इसमें ये भी चैलेंज किया गया कि जो सब क्लॉज 4 ऐड किया गया है, सब क्लॉज 4 ए ऐड किया गया है, जो
ये अनकंस्टिट्यूशनल है, इसको हटा दो, जिसमें गवर्नमेंट ने यह कहा था कि गवर्नमेंट कोई रूल बना सकती है प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेके, तो सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया गया कि ये अनकंस्टिट्यूशनल है, ये हमारे राइट ऑफ इक्वलिटी के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करे, उसको हटा दे और ये जो रिजर्वेशन ऑफ प्रमोशन है ये हटाया जाए बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि बिल्कुल ये जो है ये आप कह सकते हो कि यहां पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो आपका सब क्लॉज 4 ये ऐड किया गया है कि गवर्नमेंट रूल बना सकती है रिजर्वेशन के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया कि नहीं, वो जो आपका राइट ऑफ इक्वलिटी का जो फंडामेंटल राइट्स है उसके अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि उसी को रीजनेबल ढंग से या प्रैक्टिकल ढंग से इंप्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बिल्कुल आप ये बात सही कह रहे हो कि आप साथ में सिलेक्शन लिए थे, बट आज वो आदमी आपका सीनियर है, हालांकि आपने काम भी उसके जैसे ही किया है, मान लो दोनों लोगों ने एक जैसे ही काम किया है, या ये भी हो सकता है कि इसने अच्छा परफॉर्म किया इसने खराब किया, एडवर्स कंडीशन मान लेते हैं, तो उस केस में ये डिजर्व करता है ये डिजर्व नहीं करता है, इसका रिवर्स भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि इसने अच्छा काम किया, बट मैं एग्जांपल ले रहा हूं डिस्क्रिमिनेशन को समझाने के लिए। तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यहां पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि चलिए ये जो कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी है ना इसको हटा दो अभी के लिए और एक नई थियरी पे वर्क करो, कैचअप रूल पे। अब ये कैचअप रूल क्या है, कैचअप रूल इस तरीके से समझाया गया कि चलो ठीक है, पहली बार अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये आरटीओ के पोस्ट के लिए जो एससी या एससी कैटेगरी है इनका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं था, तो एससी एससी कैटेगरी को प्रमोट कर दिया गया, चलो ये बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप फर्दर किसी को प्रमोट करना है, मान लो एआरटीओ से आरटीओ बनाना है, तो अब उस टाइम पे इन लोगों का ध्यान रखा जाएगा कि ये जो नीचे पोस्ट वाले हैं इनको ऐसा फेयर मौका दिया जाएगा कि नेक्स्ट जो प्रमोशन हो एआरटीओ के लिए हो या फिर आरटीओ के लिए हो, जिसके लिए भी प्रमोशन हो, जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वहां पे जो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है उसको कंसिडर किया जाए, ताकि ये प्रमोट होके ये जो एससी एससी कैटेगरी का कैंडिडेट है पहले प्रमोट होके इस पोस्ट पे पहुंचा था उसको कैच कर पाए। मतलब कभी तो ऐसा हो कि इनके सर्विस में ये दोनों सिमिलर हो जाएं, मतलब एक पोस्ट से इन हुए थे तो एक पोस्ट से आउट हो, ऐसा कहीं ना हो कि कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी के वजह से ये कैंडिडेट बहुत आगे निकल जाए और ये कैंडिडेट बहुत पीछे रह जाए, ताकि इसको इन्फेरियरिटी फील हो कि सेम पोस्ट पे होके मैं बहुत पहले रिटायर हो गया और ये बहुत आगे चला गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कैचअप रूल लगा लो, कोशिश करो कि इनको पहले प्रमोट कर दो, ठीक है जरूरत है तो, बट बाद में इनको प्रमोट करो, जब दूसरा बार प्रमोशन आए तो इनको प्रिफरेंस दो, इनको प्रिफरेंस मत दो। तो कैचअप रूल आ गया। अब गवर्नमेंट को लगा कि नहीं कैचअप रूल सही नहीं है, अब चूंकि अब जानते ही हो कि जो रिजर्वेशन है ये सोशल जस्टिस से ज्यादा पॉलिटिकल गेम है, नेताओं को कुछ भी नहीं लेना देना कि किसके साथ सोशल जस्टिस हो रही है, बिलीव मी चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो किसी भी कास्ट का रिप्रेजेंटेटिव है, उसको कोई मतलब नहीं है कि आपके साथ सोशल इनजस्टिस हो रहा है, आपके साथ सोशल जस्टिस होना चाहिए, उसको उस मतलब है अपने वोट बैंक से, किसी भी तरीके से अपना वोट बैंक फिट करना है, क्या करेंगे तो जनरल वाले खुश होंगे, क्या करेंगे तो कैटेगरी वाले खुश होंगे, क्या करेंगे तो ओबीसी वाले खुश होंगे, क्या करेंगे तो एससी वाले खुश होंगे, ये करके उनको वोट लेना है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो अमेंडमेंट उन्होंने ऐड किया था आर्टिकल 16(4)A, उसमें एक और प्रोवाइडेड करके ऐड कर दिया कि नथिंग ऑफ दिस आर्टिकल शैल बी प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन मैटर ऑफ प्रोविजन विद द कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी। मतलब गवर्नमेंट ने यह कहा कि हम तो कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी के साथ ही जाएंगे, ये कैचअप वाला रूल हम फॉलो नहीं करेंगे। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो कोर्ट का ऑर्डर था बेसिकली यहां पर कैचअप रूल वाला, उसको भी यहां पे एक प्रोवाइडेड करके ऐड कर दिया इन्होंने, ताकि वो जो ऑर्डर है वो नलीफाई हो जाए। तो अगेन वो ऑर्डर नलीफाई हो गया 85th अमेंडमेंट के साथ, और फिर से जो कंसिक्वेंशियली सीनियरिटी वाला रूल था वही फॉलो होने लगा एससी एससी कैटेगरी के लिए। तो चलिए अब थोड़ा सा केस को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, हालांकि जो हम डिस्कस कर रहे थे उससे लेके 2006 तक काफी चीजें, काफी बार मैटर ये कोर्ट में गया, कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया, बट वो बहुत मेजर चेंजेस नहीं थे। मेजर चेंज अगेन आता है 2006 में, ये केस होती है नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जहां पे कोर्ट ने इसको जो एससी एससी का रिजर्वेशन था इन प्रमोशन इसको तो वैलिडेट कर दिया कि नहीं ये ठीक है बिल्कुल, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट कोर्ट ने यहां पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर्ट ने क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं वो मैं आपको बताता हूं।
तो कोर्ट ने कुछ 3 रिस्ट्रिक्शंस लगाए 2006 में, इसके बाद 2017, 2018, 15 में बहुत सारे जजमेंट्स आए, बट वो सारे जजमेंट इन्हीं के रेफरेंस में थे, बहुत ज्यादा कोई मेजर चेंजेस था नहीं, इन्हीं केस का रेफरेंस लेके वही चीजें फिर से डिलीवर की जा रही थी। तो कोर्ट ने यहां पे जो 3 कंस्ट्रेन लगाए या फिर आप कह सकते हो रिस्ट्रिक्शंस लगाए वो आप देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने पहले ये कहा कि फर्स्ट द स्टेट मस्ट शो द बैकवर्डनेस ऑफ द क्लास। कोर्ट ने कहा कि आप जिस क्लास को प्रमोट कर रहे हो, जिसको कह रहे हो कि रिजर्वेशन में प्रमोशन चाहिए, पहले तो आप ये, आपको ये प्रूव करना होगा कि वो क्लास सच में बैकवर्ड है और उसका प्रेजेंटेशन नहीं है वहां पे, तभी आप प्रमोशन कर सकते हो, अदरवाइज आप प्रमोशन नहीं कर सकते। कोर्ट को ऐसे लगा कि कोर्ट को क्या, जब आर्ग्यूमेंट होते हैं तो ये चीजें की जाती हैं कि पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए जो पॉलिटिशियंस हैं वो बार बार चेंजेस करते रहते हैं और वो बार बार अपने हिसाब से डिमांड या रिकमेंडेशन भी करते रहते हैं कि हम चेंज करेंगे, आप हमें वोट दो, हम ये बदल देंगे। तो कोर्ट ने कहा कि भाई पहले आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये बैकवर्ड है, इसीलिए आप प्रमोशन दे रहे हो। दूसरा रिस्ट्रिक्शन क्या लगाया जाएगा कि इट मस्ट शो दैट द क्लास इज इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन द पोजिशन, जिस पोजीशन के लिए आप प्रमोशन कर रहे हो। जैसे मैंने कहा था कि MBI को अगर ARTO पे प्रमोट किया जाए, मतलब कोर्ट ने कहा कि पहले आप बताओगे, दिखाओगे, इसका डाटा होना चाहिए, आप ये नहीं कह सकते हो कि यहां पे प्रेजेंटेशन कम है कर दो प्रमोशन, अपने मर्जी से नहीं करोगे, इसका प्रॉपर आपके पास डाटा होना चाहिए कि कितना प्रेजेंटेशन होना चाहिए था यहां पे SC ST का, अच्छा नहीं है तो प्रमोशन दोगे, मतलब ये आपके पास डेटा होना चाहिए, आप ऐसा नहीं कह सकते कि रूल बन गया और प्रमोशन हो रहा है आराम से। मतलब कोर्ट ने ये कहा कि आपको दिखाना पड़ेगा कि सच में वहां पे रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेट नहीं था जितना होना चाहिए। तीसरा कोर्ट ने कहा इट मस्ट शो दैट द रिजर्वेशन आर इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी। गवर्नमेंट ने, जो कोर्ट ने ये भी कहा गवर्नमेंट से कि आपको यह भी देखना होगा कि कहीं पे जो एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी है वो तो कंप्रोमाइज नहीं हो रही ना, आप कहीं ऐसे लोगों को प्रमोट तो नहीं कर रहे जिससे एफिशिएंसी कंप्रोमाइज हो जाए। मतलब आपको पहले जो करना है वो करिए, ट्रेनिंग देना है ट्रेनिंग दीजिए, उनको पढ़ाइए लिखाइए, व्हाट एवर दैट जो करना है वो करिए, प्रमोशन करना है प्रमोशन करिए, प्रमोशन में रिजर्वेशन दीजिए, बट वहां पे किसी भी तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है वो कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, वही कैंडिडेट प्रमोट होना चाहिए जो डिजर्व करता है, ऐसे कैंडिडेट को आप प्रमोट नहीं करोगे जो डिजर्व नहीं करता है। बेसिकली ये कैसे कहा कोर्ट ने, कहा कि हमारा जो आर्टिकल है 335 यहां पे, जहां पे एफिशिएंसी की बात किया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी की, ये फुलफिल होना चाहिए, इसका वायलेशन नहीं होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशंस हैं जो फुलफिल होंगी तभी आप प्रमोशन दे सकते हो, अदरवाइज प्रमोशन आप नहीं दे सकते हो। तो अब हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं ये सारा मैटर, थोड़ा सा न्यूज में क्या है वो भी देख लेते हैं। रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, जो मैंने पहले आपको कटिंग दिखाया था द हिंदू का 2020 में, ये जजमेंट बेसिकली था आपके उत्तराखंड के एक नोटिफिकेशन के ऊपर। उत्तराखंड ने एक नोटिफिकेशन निकाला असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के प्रमोशन के लिए और उसमें उन्होंने रिजर्वेशन का प्रोविजन किया SC ST कैटेगरी के लिए, तो इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है यहां पे कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन इन पब्लिक पोस्ट कैन नॉट बी क्लेम्ड एज द फंडामेंटल राइट। ये कमेंट है सुप्रीम कोर्ट का और इसको लेके बहुत बहस हुई थी कि अब सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है कि रिजर्वेशन खत्म हो जाए। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन पे कमेंट नहीं किया था, बट जिनको अपना पॉलिटिकल एजेंडा चलाना था उन्होंने शुरू कर दिया ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट के थ्रू गवर्नमेंट रिजर्वेशन को खत्म कराना चाह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली प्रमोशन में रिजर्वेशन पे कमेंट किया था कि जिनको रिजर्वेशन मिला हुआ है वो तो चलो उनका फंडामेंटल राइट है, उसको आर्टिकल 16 में ऐड किया गया है, बट जो आपको प्रमोशन में रिजर्वेशन है ये आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी कैटेगरी का आदमी ये डिमांड नहीं कर सकता गवर्नमेंट से या कोर्ट से कि ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, आप हमको प्रमोशन में रिजर्वेशन दीजिए। ये गवर्नमेंट ने कहा, ये कोर्ट ने कहा। सेकेंड क्या कहा कोर्ट ने, कोर्ट ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट बाउंड टू मेक रिजर्वेशन, मतलब रिजर्वेशन रूल्स या व्हाट एवर प्रमोशन इन रिजर्वेशन। कोर्ट ने कहा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट इन शॉर्ट, कोई बाउंड नहीं है कि वो प्रमोशन में रिजर्वेशन के लिए कोई प्रोविजन बनाए, इवन दो कोर्ट भी ऐसा ऑर्डर नहीं दे सकता है कि आप प्रमोशन में रिजर्वेशन के लिए रूल बनाइए। ये कोर्ट ने कहा, ये दोनों ऑब्जर्वेशन थी कोर्ट की। और इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी ऐड किया, हालांकि इस पॉइंट का मतलब हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि इट इज सेटल्ड लॉ दैट द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट बी डायरेक्टेड
टू प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर अपॉइंटमेंट इन पब्लिक पोस्ट, मतलब कोर्ट तो डायरेक्ट नहीं कर सकती किसी भी गवर्नमेंट को कि आप रिजर्वेशन में प्रमोशन में रिजर्वेशन दो, और ना ही गवर्नमेंट बाउंड है ऐसा कोई रूल बनाने के लिए। फिर भी यहाँ पे एक लाइन ऐड किया गया कि हाउ एवर इफ स्टेट विश टू एक्सरसाइज, अगर स्टेट मतलब गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर गवर्नमेंट प्रमोशन में रिजर्वेशन देना चाहती है तो बिल्कुल वो प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकती हैं, इसमें कुछ भी ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। एक चीज इसी के साथ कोर्ट ने और ऐड किया कि अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है, रिजर्वेशन में प्रमोशन देती है और उसको कोर्ट में चैलेंज किया जाता है तो रिव्यू उसका गवर्नमेंट कोर्ट के पास रहेगा, कोर्ट उसको रिव्यू कर सकती है और वो गवर्नमेंट से डाटा मांग सकती है कि जो हमने क्राइटेरिया फिक्स किया है कि आप पहले देखोगे कि वो जो क्लास जिसको आप प्रमोट कर रहे हो वो बैकवर्ड हैं, दूसरी चीज़ उनका आप देखोगे कि प्रेजेंटेशन है कि नहीं, तीसरी चीज़ जो एफिशिएंसी है वो तो कम्प्रोमाइज नहीं हुई, तो ये तीनों जो क्राइटेरिया है ये फुलफिल होना चाहिए तभी आप प्रमोट कर सकते हो। मतलब ये कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट उसको चेक कर सकती है अगर प्रमोशन को चैलेंज किया जाता है तो। बाकी ये द प्रिंट का आर्टिकल है जो मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसको स्क्रैप कर रही है प्रमोशन इन रिजर्वेशन को, तो इसको गवर्नमेंट में हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था कि आप इस पर स्टे लगाओ क्योंकि पहले से मिल रहा है हमको, बट इससे कोर्ट ने कह दिया कि नहीं भाई हम स्टे नहीं लगा सकते, ये बिल्कुल गवर्नमेंट के ज्यूरिडिक्शन में है, गवर्नमेंट आपको प्रमोशन में रिजर्वेशन देना चाहती है तो देगी, नहीं देना चाहती है तो नहीं देगी, ये आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है जो मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, रिमार्क्स था जो सुप्रीम कोर्ट का कि ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, गवर्नमेंट से आप डिमांड नहीं कर सकते कि हमको प्रमोशन में रिजर्वेशन चाहिए ही चाहिए, आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्या केवल एससी एसटी को ही प्रमोशन में रिजर्वेशन मिल रहा था और या अभी मिल रहा है? नहीं, देखिए यहाँ पे आप देखो कई सारी कास्ट को ऐड किया गया है जो बेसिकली आपका सब क्लॉज 4A है ना आर्टिकल 16 का, वहां पे मेंशन कर दिया गया कि क्लास या क्लासेस गवर्नमेंट को लगता है अगर, तो देखो गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्पेशल बैकवर्ड क्लास, ये महाराष्ट्र सरकार की बात मैं कर रहा हूँ, महाराष्ट्र सरकार ने स्पेशल बैकवर्ड क्लास कैटेगरी बना के इसको भी प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया था। तो गवर्नमेंट अगर चाहती है किसी को प्रमोशन में रिजर्वेशन देना तो उसके लिए वो रूल बना के उसको प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकती है, बेसिकली एक स्टेट्यूटरी रूल बनाना पड़ेगा उनको और इसके बाद वो प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकते हैं, तो किसी को भी दे सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इसका क्या कोई फिक्स रोस्टर होता है? काफी सारे लोग ये पूछ रहे थे कि क्या इसका कोई रोस्टर होता है, क्या इसका कोई फिक्स सीट होती है कि इतना देना ही पड़ेगा। देखिए अब तक की केस से आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं, इसका कोई फिक्स रूल नहीं है, कोई फिक्स रोस्टर नहीं है कि इतना देना पड़ेगा। रिजर्वेशन की मैं बात कर रहा हूं, रिजर्वेशन इतना देना पड़ेगा, जैसे आपके अपॉइंटमेंट के लिए फिक्स है कि 27% ओबीसी को देंगे, 15% एससी को देंगे, 7.5% एसटी को देंगे, 10% ईडब्ल्यूएस को देंगे, तो इस तरीके से कोई फिक्स रूल नहीं है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन जो होगा इतना परसेंट एससी का होगा, इतना परसेंट एसटी का होगा। ये टोटली गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस पोस्ट पे रिजर्वेशन देना चाहती है, किस पोस्ट पे रिजर्वेशन नहीं देना चाहती है, कितना देना चाहती है या नहीं चाहती है, ये टोटली गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और सारी जो केस थी, जो कोर्ट के ऑर्डर्स थे, वो हमने डिस्कस कर लिए, गवर्नमेंट ने क्या किया, कोर्ट ने क्या किया, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपके माइंड में एक क्लियर पिक्चर होगी, अब आपके माइंड में कोई डाउट नहीं होगा कि किसको प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलता है, कितना मिलता है, कब मिलेगा। हाँ, एक चीज और, एक डाउट था आप लोगों को कि मान लीजिए किसी कैटेगरी को प्रमोशन में रिजर्वेशन देना है और वो वहां पे कैंडिडेट मान लीजिए एससी को देना है और ये कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है तो क्या ये जनरल को चला जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल चला जाएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट के हाथ में है, गवर्नमेंट उसको ट्रांसफर कर सकती, गवर्नमेंट ने ही तो कहा कि हम एससी को देंगे, अब गवर्नमेंट कह देगी कि भाई एससी वाला नहीं है तो हम ये जनरल को दे रहे हैं, दे सकते हैं वो बिल्कुल, बट क्या ये देते हैं? तो इसका जवाब यही होगा कि ऐसा बहुत कम देखा गया है कि जहां पे जो सीटें रिजर्व की गई हैं कि इतने लोगों को प्रमोट किया जाएगा एससी कैटेगरी से, वो प्रमोशन में अगर वो अवेलेबल नहीं है तो वो सीटें ट्रांसफर की जाती हैं, क्योंकि वहां पे एक पॉलिटिकल मैटर हो जाता है, फिर कोई पार्टी ये करना नहीं चाहती है क्योंकि ये एक वोट बैंक की बात होती है तो कोई ऐसा नहीं करता है। इससे पहले बैकलॉग वैकेंसी वाला भी मैटर था, सुप्रीम कोर्ट जो केस थी कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, तो कई बार ऐसा देखा गया कि वैकेंसी आई और वहाँ पे जो एससी कैटेगरी या एससी कैटेगरी के लोग थे वो अवेलेबल नहीं थे तो वो वैकेंसी वैकेंट रह गई। अब नेक्स्ट टाइम जब वैकेंसी आती है तो उस टाइम एससी एससी का जो कैटेगरी का कोटा है वो तो रहेगा ही रहेगा और इस टाइम की जो बैकलॉग वैकेंसी होगी ये भी ऐड हो जाएगी, तो फिर जो जितना मैक्सिमम रिजर्वेशन है ये उसको क्रॉस करने लगेंगे। हालांकि एक डिफरेंट केस है, बट इसके लिए भी गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि भाई
ये वाली जो बैकलॉग वाली वैकेंसी है इसको हम स्पेशल रिक्रूटमेंट के थ्रू भरेंगे और ये बेसिकली उसमें काउंट नहीं होगी, ताकि वायलेशन ना हो, इंदिरा साहनी वाला जो केस है उसका वायलेशन ना हो, ये सारी चीजें हैं। बट अभी के लिए जो आपके प्रमोशन में रिजर्वेशन है, ये इस पे जो पिक्चर है वो क्लियर हो गई होगी। क्लियर हो गई है तो औरों के साथ शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।